हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक फाइनेंस वीडियो लेके आया हूँ जो कि TVS राइडर का रहने वाला है। इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि इस बाइक का भी एक फाइनेंस वीडियो बनाओ, तो वो मैं लेके आया हूँ। तो इसमें आपको समझाऊंगा दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे फाइनेंस के लिए, कितना EMI आएगा, कितना इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ेगा, काफ़ी सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास TVS की टीम से हैं जो कि यहाँ के फाइनेंसर हैं। तो सर जी, आप अपना सबसे पहले नाम बता दो। सर, मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है, एक्सिस बैंक से, यहाँ पे त्रिविक्रम शोरूम में। ओके। और सर जी, आप पहले मुझे ये बता दो, अगर आपके यहाँ कोई फाइनेंस लेना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? सर, मेरे यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉल्स आपको KYC डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। KYC में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा लोन के लिए। यस। और ये बता दो, बैंक स्टेटमेंट में कितना ट्रांजेक्शन मंथली होना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर, नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं रोज का, वही ट्रांजेक्शन रहेगा, हो जाएगा। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 समथिंग इतना करके, कोई जरूरी नहीं 20-30,000 मंथली आता रहे, ऐसा कुछ नहीं। ओके। और ये बता दो, जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र हुआ, वोटर आईडी तो भी चलेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ ऑप्शन में है? हाँ सर, है ना, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप तो नॉर्मली सबके पास रहता ही है। हाँ। तो दूसरा, अगर आपके पास कभी कल आधार कार्ड या कुछ है, एड्रेस गांव का या किधर का है, हाँ। तो आपका यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी देख के कर सकते हैं। ओके। और ये बता दो, जैसे इनके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे घर ना हो, किसी का रेंट पे रहे, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए जहाँ पे अभी रहते रहेंगे करेंट में, मुझे करेंट एड्रेस लगेगा, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या नोटरी जो भी रहेगा, हाँ, एक लगेगा मुझे, उसके बेसिस पे हो जाएगा। आप एक बार फिर से बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए अगर आपके यहाँ फाइनेंस करवाने आ रहा है तो। हाँ सर, मेरे यहाँ पे अगर कोई फाइनेंस के लिए आ रहा है शोरूम पे, हाँ, तो उनको क्या कैरी करना है, उनको एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक ट्रांजेक्शन अगर कैरी करते हैं, अभी तो सबका ऑनलाइन यूज करते हैं बैंकिंग, तो लास्ट 3 महीने का बैंक ट्रांजेक्शन साथ में कैरी करेंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये इतना चीज उनको सिर्फ कैरी करके रखना है, बाकी फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, ये पूछना था मुझे कि किसी भी बैंक का रहेगा उनका अकाउंट तो भी फाइनेंस हो जाएगा? चलेगा, कोई भी बैंक से रहेगा फाइनेंस हो जाएगा सर। अगर मान लो आपके एक्सिस बैंक का है तो कुछ फायदा मिलने वाला है? यस, कभी कभी उनको कैसा प्री अप्रूव लोन रहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो हम चेक कर लेंगे, प्री अप्रूव लोन में कैसा होता है, तुरंत ऑन द स्पॉट लोन हो जाता है, सेम डे अप्रूवल सेंक्शन हो जाता है ऐसा। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपका ये प्रोसेसिंग में? प्रोसेस में टोटल 3 डे लगता है, हाँ, 1 डे सेंक्शन का, बाकी उनका डाउन पेमेंट जैसा करेंगे, उसके बाद 2 दिन मुझे लोन डिस्बर्समेंट के लिए लगता है। अच्छा, और ये बता दो कि आपके एजेंट लोग जाते होंगे उनके घर पे चेक करने के, वेरीफाई करने के लिए, सब होता है? नॉर्मली केस में कभी कभी जाते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कभी कभी जिनमें डाउट होता होगा उनको, हाँ, जिसमें डाउट रहता है उनको लगता है, बाकी प्रॉपरली जिसका डॉक्यूमेंट रहता है उसमें कुछ नहीं जाता। ITR भी काम आता होगा? ITR कैसा बिजनेस है और उनको फंडिंग ज़्यादा चाहिए रहता है तो मुझे ITR लगता है, नहीं तो नो इनकम। नॉर्मली क्या है, 3 मंथ का ट्रांजेक्शन बैंकिंग देते हैं, सैलरी बैंकिंग देते हैं, जिसमें उनका सैलरी आते रहता है, हो जाएगा। हाँ, मतलब इस बाइक जैसे कम्यूटर बाइक, ये अपनी बाइक के लिए नॉर्मल 3 मंथ का ट्रांजेक्शन भी चलेगा? चलेगा। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस कितना है, आप बता दो पहले। हाँ, एक्स शोरूम प्राइस है सर 86,437 रुपीज़ है। अच्छा, 86,437 रुपीज़। ऑन रोड कितने तक पड़ रही है? ऑन रोड ये आपको पड़ेगा 1,06,500 रुपये, जिसमें आपका 5 साल का इंश्योरेंस रहता है, जो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 0 डेप्थ, और 4 साल थर्ड पार्टी रहता है साथ में, वो रहेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन जो रहता है नॉर्मली 15 ईयर का, वो आपको साथ में रहेगा, मिलेगा। यस, और एसेसरीज भी जो रहेंगे फिटिंग जेन्युइन, वो आपको मिल जाएंगे, एसेसरीज भी साथ में मिलने वाले। यस यस, 1,06,500 ऑन रोड में। ओके, और आप ये बता दो कभी इसमें कम से कम डाउन पेमेंट वाला अपना स्कीम बता दो। हाँ सर, इसमें कम से कम डाउन पेमेंट आपको एक मिनिमम 15,000 रुपीज़ तक आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कितने ईयर, कितने मंथ के लिए रहेंगे? इसमें आप कैसा 1 ईयर से आप कर सकते हो। वन ईयर के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 8,986 रुपीज़ का आपको EMI आएगा, 12 मंथ के लिए। इंटरेस्ट रेट आपको 10.5 जरूर। लमसम एक्स्ट्रा कितना पड़ जाएगा? लमसम एक्स्ट्रा आपको 1 साल में आपको समझ लीजिए 1,500 से 16,000 रुपये तक जाएगा। ओके, और सेकेंड वाला कौन सा है? सेकेंड आप 24 मंथ के लिए कर सकते हो, 36 मंथ के लिए है। 24 मंथ में कितनी EMI आएगी? 24 मंथ में सर आपको आ जाएगा 4,915 रुपीज़ का आपको आएगा, 4,915 रुपीज़ आपको मंथली EMI आएगा। इंटरेस्ट रेट वही 10.50 जो 10.5% का रहता है। एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ जाएगा इसमें आपको? एक्स्ट्रा आपका जाएगा कम लमसम 25,000 से 26,000 रुपीज़। यस। और थर्ड जो आप बता रहे थे, थर्ड 36 मंथ के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 3,574 रुपीज़ है। यस, इसमें आपको एक्स्ट्रा जाएगा आपको
35 से 37 हज़ार रुपये तक। इंटरेस्ट रेट वही सेम रहेगा? सेम सर वही। ओके ओके, और ये बता दो अगर जैसे इसको कोई क्लोज करना हुआ 6 मंथ बाद, ऐसा कुछ है? ऐसा है सर, अगर आपको, अगर समझ लीजिए आप लोन आपका अभी प्रोसेस में डालें, बट 6 मंथ कैसा हमारा लॉकिंग पीरियड रहता है, तो 6 मंथ के पहले आप नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ आपके पास पेमेंट आता है तो आप फुल पेमेंट एक साथ में करके कर सकते हैं। अगर कर देंगे तो मतलब कर देंगे तो बचत ही होगा आपका, बेनिफिट होता है। कैसा 6 मंथ आप करते हैं, जो भी बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, उस पर वो लोग आपका कुछ एक चार्जेस रहता है, नॉर्मल चार्जेस लेके आपका क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया मुझे चार्जेस, इसमें आपका ये प्रोसेसिंग फीस ये सब मतलब ऐड है ना? यस यस, इसमें आपको ऑल चीज़ें आपको इंक्लूडिंग है, कोई हिडन नहीं। इसमें आपका प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, HP, हाइपोथिकेशन जो चढ़ाते हैं, सब चीज़ें आपका इंक्लूड है, आपको अदर 1 रुपीस नहीं है। इसमें सब कुछ ऐड करके बता रहे हैं, फाइल चार्ज जो भी होता है, प्रोसेसिंग फीस, ये सब कुछ ऐड करके बता रहे हैं दोस्तों। तो सर जी आप बता दो, हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, अगर 25,000 हमें डाउन पेमेंट देनी हुई तो उसका कैसा रहेगा? सर आपका 25,000 डाउन पेमेंट रहेगा तो आपका कैसा नॉर्मल जितना आप डाउन पेमेंट करते हैं आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको उसके बाद कम अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 25,000 पे आपको आपका हो जाएगा 12 मंथ के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो 8,064 रुपीस आपको आएगा EMI 12 मंथ। 12 मंथ के लिए आपको 8,064 रुपये EMI आने वाला है, और इंटरेस्ट रेट कितना पड़ जाएगा? सेम 10.50। एक्स्ट्रा पैसा कितना भरना पड़ेगा? एक्स्ट्रा इसमें आपको जाएगा 14 से 15 हज़ार रुपये, 15 हज़ार के आसपास जाने वाला है। और सेकंड ऑप्शन अगर मतलब, अगर सेकंड 24 मंथ के लिए आप जाते हो तो 4,410 रुपीज़ का आपका EMI रहेगा, 10.50 रेट सेम, और इसमें आपका जाएगा 23 से 24 हज़ार रुपये तक एक्स्ट्रा जाएगा। 23,000 के आसपास जाएगा, 23 से 24 के आसपास। और कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन मतलब हमारे पास सभी 36 मंथ के लिए भी आप रख सकते हो, 36 मंथ के 3,207 रुपीज़ का सेम इंटरेस्ट रेट। इसमें आपका एक्स्ट्रा जाएगा आपको समझ लीजिए 32 से 33 तक। जितना आप ज़्यादा जाते हो उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आप लोग सही डिसीजन लेना सोच के। मैंने इसलिए सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बता दिया हमारे भाई साहब की मदद से। आप मुझे ये बता दो, अगर कोई फाइनेंस लेने आ रहा है हमारा व्यूवर आपके यहाँ पे, तो उसको सिविल स्कोर के बारे में थोड़ा सा बता दो। कैसा सिविल स्कोर जो भी आ रहे फाइनेंस के लिए, उनको तो मालूम है कि जो भी कर रहा है उनका पिछला लोन चालू रहता है, लोन कितना भी रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोन जो लिए हो वो कंटिन्यू जा रहे, बस वही देखते हैं कंपनी वाले, जिससे आपका सिविल मेंटेन होता है। तो सिविल अगर आपका EMI समझ लो लास्ट कोई पर्सनल लोन या कोई भी लोन चालू है वो आपका चलते रहे, बट आपको टू व्हीलर भी लोन हो जाएगा, बट आपका ये रहना चाहिए कि सिविल मेंटेन रहना चाहिए, EMI कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कितना सिविल स्कोर चाहिए? कम से कम सिविल स्कोर 700 के अबव रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना TVS राइडर के फाइनेंस के बारे में, हमारे भाई साहब ने अच्छे से डिटेल से आप लोगों को समझाया कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितनी मंथली EMI आएगी, और इनका नंबर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आपका नंबर याद हो तो आप बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को। मेरा नंबर है 8108319113। अगर आप लोग मुंबई से हो तभी इनको कॉल करना, नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आप मुझे ये बता दो, आप TVS की बाइकें मतलब करते हो कि अदर बाइकें भी आप फाइनेंस करते हो? अदर फाइनेंस भी करते हैं, बट अभी एक्चुअल में मैं TVS के शोरूम में बैठा हूँ, तो TVS का मोस्टली करता हूँ। बाकी अदर फाइनेंस के भी रहेगा या अदर बाइक्स भी रहेंगे उसका भी फाइनेंस हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका दे दूंगा दोस्तों फ़ोन नंबर। और आप ये शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो। नियर बाई अंधेरी स्टेशन वेस्ट और SB रोड पे अपना ये शोरूम त्रिविक्रम करके अंधेरी मार्केट। दोस्तों मैं इस शोरूम का एड्रेस आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में इस शोरूम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइनेंसर मिल जाएंगे, आप जिस कंपनी से चाहो वहाँ से आपको फाइनेंस हो जाएगा। इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितना आपका EMI आएगा, कितना आपको डाउन पेमेंट आएगा। और दोस्तों अगर आपको और किसी बाइक का वीडियो चाहिए फाइनेंस का, तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।